सप्लाई चेन इज बेसिकली गिव्स यू लॉट ऑफ मनी, क्योंकि अगर बाहर भी आके काम करेंगे या यहाँ पे भी करेंगे, आप ग्रेजुएट डेढ़ साल बाद आपकी सैलरी लाख रुपए से ज्यादा होगी, मैं बता रहा हूँ। डेढ़ साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिग्री के बाद, लाख रुपए इज गुड फॉर अ 25-25 साल के बंदे के लिए। आप अगर अच्छे रुक जाए तो 4-5 लाख रुपए की सैलरी मैनेजर डायरेक्टर को मिल जाती है। आई बिलीव दैट द सप्लाई चेन इज एन आइडियल फील्ड फॉर फीमेल्स बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गैप ओवर देयर। 2012 में जब मैं पाकिस्तान आया तो आई स्टार्टेड माय करियर विद बैंक अल अबीब, और उसमें मैंने क्लर्क का टेस्ट दिया और उसमें मैं क्लर्क में पास हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल में फ्रॉम क्लर्क टू द डायरेक्टर लेवल मेरी एक जर्नी है। आप कोई भी चीज़ दुनिया में लेते हैं, टी शर्ट है, कपड़ा है, जो भी है, तो वो डिटेल में जैसे पहुंची है तो उसके जो पहुंचने के जो जिम्मेदार हैं वो सप्लाई चेन के लोग होते हैं। तो हम लोगों का काम ये होता है कि सप्लायर को आइडेंटिफाई करें, उसको मैन्युफैक्चर कराएं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा के जो कि एंड यूज़र है उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन मैनेज करते हैं, मटीरियल मैनेज करते हैं हम, उसके लिए जो है ऑफकोर्स द मनी इज इन्वॉल्व, सो वी मैनेज ऑल दैट। सप्लाई चेन एज अ डिसिप्लिन जो है वो अभी भी उस तरह से रिकग्नाइज नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एग्रीकल्चर हम कहते हैं बाय एंड लार्ज हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और जो भी हमारी सप्लाईज हैं इस वक्त बुरी तरह जो है वो मुतासर है, और जो एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन में चेन है उसके अंदर इतने इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से कितनी वेस्टेज है इस पूरी सप्लाई चेन में। अगर अच्छे तरीके से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस एरिया में हो तो आप काफ़ी सारी जो अपना रिसोर्स है उसको आप बचा सकते हैं। अब उसको ज़ाहिर है रियलाइज़ करना और उसके मुताबिक एक वर्कफोर्स या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं स्किल्स की उसको तैयार करना और फिर उसको उन एरियाज़ में डिप्लॉय करना, ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर एक काम है और ये ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप सप्लाई चेन को यूज़ करते हुए एफिशिएंटली कॉस्ट को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते? कोई एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, जैसे फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे बहुत सारी वेयर हाउसिंग मुख्तलिफ स्टेजेस पे की जाती है, और ये जब वेयर हाउसिंग करते हैं तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल हम कहते हैं या सेमी फिनिश्ड फॉर्म में जो आपके गुड्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, इसको फॉर एक्सेसिव नंबर ऑफ डेज विदाउट एनी प्रॉपर प्लान ये स्टोर कर दिया जाता है। यानी महीनों महीनों की इन्वेंट्री रखी जाती है और कुछ जगहों पर सालों की इन्वेंट्री रखी है। यानी किसी भी चीज़ को रखने का एक जगह पे जो कीमत आप अदा करते हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ कैरिंग कॉस्ट। और उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप ज़रा इसको फाइनेंस से लिंक करते हैं, बैंक्स की तरफ चले जाएं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सप्लाई चेन में अगर इंडस्ट्री की मैंने आपसे बात की तो सिर्फ जो एक्सेसिव इन्वेंट्री आप कैरी करते हैं बाकी सब छोड़ दें हम, तो वो अगर आप उसी को कंट्रोल कर दें, यानी कि एक दिन की इन्वेंट्री अगर आप कम करते हैं तो एक दिन जो है वो करोड़ों का है, ये लाखों का नहीं है। तो लोग जो हैं वो या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनएफिशिएंट वर्किंग कर रही होती हैं वो 80 डेज़, 100 डेज़, 120 डेज़ की इन्वेंट्री कैरी कर रही होती हैं जबकि वो ख़ुद प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी अगर यहाँ पर कोई सप्लाई चेन का रोल होगा या नहीं होगा। तो एक जो की एरिया है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके टेक्सटाइल है, और ज़ाहिर बात है टेक्सटाइल पाकिस्तान की तो मैं कहूँ तो बैकबोन है। सप्लाई चेन इज़ नॉट वर्किंग देन द प्रोडक्ट विल नेवर रीच द कंज्यूमर, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। नाउ फॉर दैट पर्पस एज एन एकेडमिशियन वी टीच स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर सप्लाई चेन मैनेजर्स बिकॉज वी नीड दैट इन द इंडस्ट्री। देखो बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, जब भी हम इंटरनेशनल किसी भी प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम नोट करते हैं एज इज़ क्या हो रहा है, प्रैक्टिस क्या है। कि कराची में लेट्स अगर मैं कराची की बात करूँ तो एज इज़ क्या है, आप कहते हो मेरे पास ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है या मेरे पास रिसाइकलेबल वेस्ट ज़्यादा है, दोनों को सेग्रीगेट करते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ कि रिसाइकलेबल वेस्ट से आप रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और आप दसियों प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड और बम्पर से ले के आपके बच्चों के खेलने की कुर्सी तक रिसाइकिल से बनी हुई है। इवन आपके मोबाइल के पीछे जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना वो भी रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता, तो दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे एक जो लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पैरालिसिस ऑयल बनता है उससे, एक तरीक़ेकार होता है उसको फॉलो करके इंजीनियर्स नोज इट बेटर, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स बाहर बना रहे हैं।
ठीक है, वो पायरोलिसिस ऑयल इज एज गुड एज डीजल, सही। तो आप डीजल का मुतबादल बना सकते हो किससे, जो आपका नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, यानी खाने पीने की बाकियात, सड़े हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप इससे पायरोलिसिस ऑयल बनाओ और दैट इज एज गुड एज डीजल। उससे टर्बाइन चलाओ, आपकी लोड शेडिंग दूर, आपका कचरा दूर, बट यू नीड द प्रोफेशनल्स टू केटर दिस जॉब। गवर्नमेंट हैव टू बी सीरियस नाउ, इवन कंपनीज हैव टू बी सीरियस नाउ। हमने जाके पहला पाकिस्तान का इवेंट है जिसमें हमने सप्लाई चेन लीडर्स को यहाँ बुलाया है, थॉट लीडर्स से हमने बात करी है कि हम बात करें कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से बाहर बैठ के कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पे आके हैंड्स ऑन काम करना जो है वो असल मेहनत है। एज अ पाकिस्तानी वी वॉन्ट पाकिस्तान टू बी सक्सेसफुल, तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हमारा काम यही है, एसएम डूजो, वी हैव स्टार्टेड दी 39 कोर्सेज, वी हैव मेड इट सुपर चीप, राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर फ्री एज वेल, बेसिक सप्लाई चेन सब फ्री, आप आके सीखें, पसंद आए, खाली $39 पर मंथ की मेंबरशिप है। तो आवर एम इज टू ग्रो पीपल, टीच पीपल, एंड दैट्स व्हाई वी बिल्ड द फुल एकेडमी इज डिजिटल, राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल कंटेंट एंड टूल्स एज वेल, प्लीज जॉइन अस। ताजा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।